क्या हुआ? आया मुंह में पानी यार। मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि तुषार भाई आज कित्थे, वेयर टू। वेल, आज मैं जा रहा हूँ यार, आप खुद ही देख लो ना आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। Hey guys, आप लोगों का मैं सस्पेंस अब ख़त्म कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सस्पेंस ख़त्म करूँगा, पूरा नहीं। मैं अभी आया हूँ जूबीज़ किचन पे, एंड दिस प्लेस इज़ लोकेटेड एट जसोला कालिंदी कुंज। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो नियरेस्ट मेट्रो इज़ जसोला, एंड अगर आप मेरी तरह गाड़ी से आ रहे हैं फिर तो आप कहीं से भी आ सकते हैं ना। मुझे ऐसा बताया गया है कि इनकी इसके सिवाय एक और ब्रांच है विच इज़ लोकेटेड नैनीताल, और अगर आज का खाना बढ़िया हुआ तो भाई मैं वहाँ पक्का जा रहा हूँ, क्योंकि भाई सामने पहाड़, यहाँ पे मैं बीच में खाना। तुषार भाई आप ख्वाब दिखा रहे हैं, आप खाना तो दिखा नहीं रहे यार। मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ, मैंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया है और अभी 2 बज रहे हैं, तो आज तो भाई खाना आने दो, बढ़िया ऑर्डर करने वाला हूँ मैं बहुत कुछ। एंड भाई पहले मैं इनके मेन्यू की आपको हाईलाइट्स दे देता हूँ। होली मॉली भाई साहब, पहले तो 2 पेज पे इनकी बेवरेजेस, और बेवरेजेस में दे हैव कॉफ़ीज, जूसेस, स्मूदीज, शेक्स एंड वट नॉट। आपको पता है मेरा फेवरेट चॉकलेट है, बिना देखे भाई चॉकलेट शेक तो डन है। और ओके यार ऑनेस्टली इनका जो मेन्यू है दैट इज़ डिवाइडेड इन टू मेन स्पेक्ट्रम्स, एक तो है यार चाइनीज़ मेन्यू और एक है नॉर्थ इंडियन मेन्यू। और अगर चाइनीज़ मेन्यू है तो भाई मोमोज तो होंगे ही होंगे, और मोमोज हैं तो यार मैं ऑर्डर कर रहा हूँ आज भाई, बड़े दिन हो गए वैसे तो मोमोज खाए हुए, तो मोमोज तो भाई डन है। ओह मोमोज, ये भाई मोमोज की भी इनके पास कुछ 6-7 वेराइटीज़ हैं, और आई एम गोना ऑर्डर तंदूरी मोमोज, बस ऐसे ही यार मन सा कर रहा है तो कर देते हैं। एंड भाई चाइनीज़ में जो चाइनीज़ मेन्यू में होता है वो सब कुछ है यहाँ पे। बाकी यार दिस इज़ अ फैमिली रेस्टोरेंट एंड दिस प्लेस इज़ नोन फॉर देयर नॉनवेज। एंड एक मिनट रुको, सब बता रहा हूँ, वेट। स्टार्टर्स में भी भाई साहब कितना कुछ है यार, मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, व्हाट शुड आई ऑर्डर यार। आ जाओ बता दो कुछ, साथ मिलके खा लेंगे ना भाई। चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट, भाई यहाँ पे कुछ 8-10 वैरायटी के टिक्के हैं, नॉनवेज टिक्के नहीं, वेज टिक्के भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ नॉनवेज नॉनवेज है, वेजिटेरियन ऑप्शन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। एंड इनका अलग ही एक तंदूरी सेक्शन है, और भाई साहब कबाब्स, दे ऑल्सो सर्व कबाब्स, कबाब्स ऑर्डर हो रहे हैं भाई आज, डन है कबाब्स डन। और ऑलराइट कमिंग ऑन टू द मेन्स भाई, मटन, चिकन, क्या कह रहे हो भाई, सब कुछ है भाई। इतनी सारी वैरायटीज़ के मटन तो मैंने शायद आज तक सुने भी नहीं हैं। तवा गोश्त, हांडी गोश्त, मटन कोरमा, मटन दो प्याज़ा। और अगर मैं वेजिटेरियन बंदों के लिए बात करूँ तो यार पनीर है, वेजिटेबल्स अवेलेबल है, दाल, सोया चाप। तो ऑल इन ऑल यार इन्होंने ऐसा कुछ है नहीं जो इन्होंने अनटच रखा हो, ऑलमोस्ट इनके मेन्यू में सब कुछ है। अब भाई मैं बात करूँ सस्पेंस की, मैं आपको बताऊँगा नहीं कि मैं ऑर्डर क्या क्या करने वाला हूँ, ऑल्दो मैंने एक दो चीज़ें डिस्क्लोज कर दी हैं, सारी चीज़ें नहीं की हैं। तो अब जा रहा हूँ मैं किचन में, इनके भाई खाने के थोड़े शशके दिखाता हूँ आपको, देन वी गोना डू अ टेस्ट टेस्ट। यार सस्पेंस अनलॉक, अब मैं आपको बता देता हूँ मैंने ऑर्डर क्या क्या किया है। मैंने ऑर्डर तो यार बहुत कुछ किया है, और इतना कुछ है कि मुझे पता है कि ये सब पैक होने वाला है बाद में, बट बताता हूँ। मैंने ऑर्डर किया है वेज मोमोज, नॉट द नॉर्मल मोमोज ऑफ कोर्स, द तंदूरी मोमोज, चिकन कलमी और मटन सीख कबाब। लेट्स टेक राइट इट डू इट यार, चेक दिस आउट। मतलब मेरी क्वालिफिकेशन मटन के मामले में थोड़ी कम है, क्योंकि मैं हमेशा चिकन प्रेफर करता हूँ, बट आज भाई मटन खा के देखते हैं। ओ भाई साहब ये बहुत ज़्यादा जूसी है, इसके अंदर से कुछ ड्रिप हो रहा है। ओ वाओ दिस इज सॉफ्ट। मैं कह रहा हूँ यार मटन खाने क्यों जाते हो पुरानी दिल्ली, जब जूबीज़ में इतना अच्छा मटन मिलता है तो।
भाई साहब जैसे ही मैं नाइफ लगा रहा हूँ ना इस पे, जूस इज फ्लोइंग आउट भाई। मटन सीख कबाब हो गया, अब मटन बर्रा की बारी है, आ जाओ भाई। इसका टेक्सचर पहले तो चेकआउट करो, ऐसा लग रहा है भाई दिस इज टोटली रोल्ड अप इन सम काइंड ऑफ अ मसाला, एंड इसके ऊपर इन्होंने बहुत सारा बटर डाला है, एंड भाई मुझे दिस दिख रहा है भाई, दिस इज सो वेल कुक्ड। ऑलराइट, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ यार, जूबीज वाले ना मुझे चिकन खाना छुड़वाएंगे, मैं बता रहा हूँ, दिस इज सो गुड यार। मटन इतना अच्छा होता था क्या, मुझे पता नहीं था। Pretty sure this is the best mutton which I ever had by 2 times. Ab bhai shake break. Oh wow. Yaar mutton apni jagah hai, bhai momos apni jagah hai. All right, finally yaar, ek to inhone momos ke upar कोई मैरिनेशन लगाई है, फिर इसको तंदूर में डाला, फिर तंदूर से बाहर निकाला, फिर इसके ऊपर इन्होंने कोई क्रीम लगाई है, फिर हमें सर्व किया है। ये है सीन इन मोमोज का। अब भाई इसकी फिलिंग चेकआउट करो। ऑलराइट, होए 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 होए, क्या मोमो है। कट शॉर्ट द कॉन्वर्सेशन, for me these momos are 9/10 for sure, easy 9/10 yaar. Starters mein momos ke baad ab chicken kalmi bacha hua hai aur uske bhi shashke kuch alag hi hain, abhi dikhata hu yaar. This is chicken kalmi, pehle to bhai iska color check karo, aur bhai this is topped with a lot of butter. भाई साहब इतना सारा बटर और इसके ऊपर इतनी सारी मुझे क्रीम नज़र आ रही है, और भाई इसका कटिंग देखो यार, इन्होंने अलग ही तरीके से इसे कट किया हुआ है। ओए होए होए, व्हाट शुड आई से, वेल कुक्ड, वेल मैरिनेटेड एंड टेंडर, या प्रीटी मच इट यार। ऑनेस्टली 80% पेट तो मेरा पता नहीं क्यों भर चुका है, क्योंकि भाई everything was full of butter, the food is very fulfilling and bhai tasty to hai hi hai, to ye bhai pack hone wala hai sara, aaram se ghar jaake khaunga, but abhi itni jaldi ghar jaane ka scene nahi hai bro, abhi to main course hi baki hai, isko wrap up karwate hain aur fir aate hain main course. Guys, starters हो गए wrap up, now it's time for the main course, and मुझे पता यार आज नॉनवेज थोड़ा ज़्यादा हो गया, but this place is known for their नॉनवेज food, तो इसलिए so क्या कहते हैं उर्दू में, मैं माजरत खुआ हूँ, I'll eat vegetarian in next video for sure, but अभी भाई मेरे सामने पड़ा हुआ है मटन रोगन जोश, एंड उसके साइड में पड़ा हुआ है पनीर तवा मसाला, क्योंकि भाई अब थोड़ा इक्वल इक्वल करना चाहिए, एंड भाई दिस इज द कीमा नान, दिस इज फुल ऑफ कीमा, भर रखा है भाई, एंड दिस इज गार्लिक नान। ऑनेस्टली जितना मैंने प्लेट में डाला हुआ है उतना मुझसे खाया नहीं जाएगा, बट दिस सीम्स टू बी वेरी डिलिशियस, एंड यू गाइस नो व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट, आई एम गोना डिग राइट इनटू इट, एंड गार्लिक नान और मटन रोगन जोश, शायद ही मैंने कभी मटन रोगन जोश खाया हो। ऑलराइट, इतनी कोई थिक ग्रेवी नहीं है मटन रोगन जोश की, इट्स लाइक लिटिल कह सकते हैं कि यार थोड़ी सी पतली है, एंड मज़ेदार लग रही है। दिस ग्रेवी स्मूथ, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर इन्होंने खड़े मसाले डाले होंगे, और फिर इसके अंदर इन्होंने घी या बटर डाल के उसको स्मूथ कर दिया अच्छे से, कुछ ऐसा फ्लेवर आ रहा है। थोड़े से मैं पीस के साथ हमने टेस्ट, ओह भाई साहब चेक दिस आउट, बढ़िया से पका हुआ है भाई मटन,
वाओ मैन दिस इज़ गुड। मैं आया भी हर जगह जाके बटर चिकन करता रहता था, अब से भाई मैं हर जगह जाके मटन रोगन जोश करने वाला हूँ। यार टाइम फॉर पनीर तवा मसाला, फाइनली समथिंग वेज। पनीर है, थोड़ी सी थिक सी ग्रेवी है, उसके अंदर इन्होंने कैप्सिकम डाला हुआ है एंड और क्या अनियंस है एंड 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 ये बनी मेरी वाइट। ऑलराइट, इस पनीर पे भाई बड़े सारे टैंगी से फ्लेवर्स हैं, पर यार ये पनीर वैसा स्मूथ नहीं है जैसा मटन रोगन जोश है। इसके मसाले भाई पता चल रहे हैं। मुझसे पूछो पर्सनली, यार मटन इज़ माई न्यू फेवरेट नाउ। यार ऑन एंड ऑल द फूड वॉज अमेजिंग, मज़ा आ गया यार। बड़े दिनों बाद मैंने इतना बढ़िया मटन खाया है, मतलब बड़े दिनों बाद ही मैंने मटन खाया है एंड ऑल इन ऑल माई एक्सपीरियंस मज़ेदार। ठीक है भाई, बड़ी देर से बातें कर रहा हूँ, अब भाई मैं चला घर। अरे इतनी जल्दी कैसे यार, अभी मुझे आप लोगों को बताना है कि इनका चिकन कलमी का फ्लेवर इतना ज़्यादा बढ़िया था और इनका मटन बुर्रा, भाई मैं तो उसका फ़ैन हो गया यार। रेस्टोरेंट की सिचुएशन कुछ ऐसी थी, आधे रेस्टोरेंट से ऐसी वाइब आ रही थी कि भाई मैं कैफ़े में बैठा हूँ और आधे रेस्टोरेंट में ऐसा लग रहा था कि भाई वो मतलब फैमिली रेस्टोरेंट है। हाँ, जूबीज रेस्टोरेंट में स्वैग बहुत था एंड अगर आप लोग जसोला जाते हैं तो आप लोग एक बार तो ट्राई कर सकते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। अब भाई मैंने तो अपना काम कर लिया, खा लिया, वीडियो बना ली, आप लोगों को दिखा दी, अब आप अपना काम करो ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो। मैं आपसे मिलूंगा आप जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।